नारायणपुर तहसील कार्यालय में लोगों की प्यास बुझाने नगरपालिका ने लाखों रुपए खर्च कर वाटर एटीएम लगाया था, जो अनदेखी के चलते बंद पड़ा हुआ है। नागरिकों ने बताया कि वाटर एटीएम स्थापित करने के बाद से ही सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है। कार्यालय में रोजाना सैकड़ों लोगों का आवाजाही रहता है। वहीं इस भीषण गर्मी में सुदूर अंचल से आए ग्रामीणों को पेयजल को लेकर परेशान होना पड़ता है। मशीन के कार्य नहीं करने की जानकारी नगर पालिका में दी गई है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सर, मैं प्यास लगने से वाटर एटीएम में पैसा डाल के सिक्का डाल के पानी निकालने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ से पानी नहीं निकल रहा है सर। इसके लिए सर मेरे को बाहर से पानी खरीद के पीना पड़ता है। सर, यहाँ तो बहुत सारे ग्रामीण आते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं यहाँ पे डेली। बहुत सर गर्मी है यहाँ पे, तो नहीं मिल रहा है। ये वाटर एटीएम लगभग 6 सालों से बना हुआ है यहाँ पे। वाटर एटीएम आज तक सुचारू से चालू नहीं है। यहाँ जिला का एकमात्र मुख्यालय है तहसील मुख्यालय, यहीं पे बाजू में तहसील ऑफिस ओरछा भी है। तहसील के ऑफिस तहसील ओरछा के लोग यहीं आते हैं, नारायणपुर तहसील लोग यहीं आते हैं। पूर्व में जब नारायणपुर दो तहसील में विभक्त था, ओरछा और नारायणपुर, तब पूरे तहसील लोग यहाँ पे आते थे, परंतु यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होती थी। लोग पानी पीने के लिए बाहर जाना पड़ता था। अभी गर्मी काफ़ी तेज है, किस तरह दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कतें आ रही है। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी चालू नहीं है, इसलिए पानी पीने के लिए बाहर जाना पड़ता है या खरीद के लेना पड़ता है उन्हें। शासन की जो योजना है क्या है? शासन की नल जल योजना थी कि प्रत्येक तहसीलों में वाटर एटीएम, तहसील कार्यालय में जो वाटर एटीएम स्थापित है, क्योंकि मेन रोड में सड़क निर्माण चल रहा है, तो वहाँ पे पाइपलाइन जो है, सप्लाई पाइपलाइन डैमेज हो गई है। पीडब्ल्यूडी के ई साहब को इस संबंध में इन्फॉर्म किया गया है, जल्दी वो पाइपलाइन पर निर्माण का कार्य कर लेंगे, ताकि उस पाइपलाइन को सप्लाई लाइन से जोड़ के वाटर एटीएम वहाँ पर तहसील कार्यालय का चालू किया जा सके। बस स्टैंड पे है, विगत 3 दिन पहले ही इसका परीक्षण किया गया था हमारे उपअभियंता द्वारा, कि वो चलायमान है कि नहीं है। उपअभियंता द्वारा जानकारी दी गई थी कि वो चालू की स्थिति में है। सर, मैं